नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। आज की ये वीडियो सबके लिए खास है, बच्चा बूढ़ा जवान। आमतौर पे लोग अपनी बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक जड़ी बूटी चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैमन सफ़ेद के बारे में। हालांकि बैमन दो किस्म की होती है, बैमन लाल और बैमन सफ़ेद। बैमन लाल के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में बैमन सफ़ेद से मिलने वाले कौन कौन से फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, ये आपके दिल के लिए, गुर्दे के लिए, आपके शरीर में धातुओं को पुष्ट करने के लिए, आपके घाव को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और इसका सबसे खास गुण, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, उनके बांझपन को दूर करने के लिए इस जड़ी बूटी से ज़्यादा बेहतर जड़ी बूटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। अब बैमन होता क्या है? असल में एक पेड़ की जड़ है जो देखने में कुछ सफ़ेद रंग की होती है। इसकी तासीर गर्म होती है। आप गोंद कतीरे का सेवन करके इसके दोषों को दूर कर सकते हैं और लाभों को बढ़ा सकते हैं। इसकी तुलना आप एक तरीके से तोंदरी या इंद्रजौ से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने की जो विधि है बिल्कुल साधारण है और लगभग आपको सभी बीमारियों में इसका एक ही तरीके से प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ प्रयोग किया कैसे जाएगा। आप बैमन सफ़ेद लें, कूट पीस के उसका एक फाइन, एक बारीक चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटे बाद आपको इसका सेवन करना है। चाहे कोई भी बीमारी हो, प्रयोग विधि आपकी यही रहेगी। अगर ये गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप इसमें गुनगुने पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके अंदर धातुएं पुष्ट नहीं हैं। कोई भी धातु आपकी इम्बैलेंस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कोई भी धातु आपकी पुष्ट नहीं है, किसी में भी कमी है, तब आप इसका प्रयोग करें। वो लोग जिनका शरीर बिल्कुल ढीला ढाला रहता है, जिनमें ताकत ऊर्जा नहीं रहती है, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनको क्या करना है कि वो 1 ग्राम की मात्रा में सुबह खाना खाने के करीब आधा घंटे बाद इसे गर्म पानी या गुनगुने दूध के साथ लें। ऐसे ही शाम को इसका प्रयोग करें। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, तो इसका प्रयोग आपको एक लंबे समय तक करना होगा। प्रथम प्रयास में आप 80 से लेकर 90 दिन तक लगातार यदि इसका 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम प्रयोग करेंगे तो 2 से 3 हफ्तों में ही देखेंगे कि आपकी धातुएं पुष्ट होना शुरू हो गई हैं। और वो लोग जिनका शरीर बिल्कुल ढीला ढाला था, जिस्म पे मांस नहीं था, एकदम तरोताजा जो नहीं फील करते थे, वो लोग देखेंगे 2 से 3 हफ्ते में ही उनकी ये सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। और दोस्तों, यदि आप इसका ऐसे सेवन करते हैं तो उन लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिलता है जिनका दिमाग किसी भी तरीके से पुष्ट नहीं है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति एक आम व्यक्ति के बराबर नहीं है, या फिर जो लोग चाहते हैं कि वो पढ़ाई का काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, अपने मस्तिष्क को कुछ पुष्ट चीज़ें देना चाहते हैं, तो उनको भी ठीक इसी तरीके से बैमन सफ़ेद का प्रयोग करना है। और दोस्तों, आजकल की दिनचर्या, आजकल का मिलावटी खान पान हम सब लोगों के शरीर में एक रोग तो लगभग सबके शरीर में पैदा कर ही देता है, और वो है गुर्दे या फिर मसाने में होने वाली पथरी। इस तरीके से आप प्रयोग करके अपने गुर्दे और मसाने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसका एक प्रयोग और है, सपोज़ आपके कहीं कोई कट लग गया, कोई घाव हो गया, यदि उस पर इन्फेक्शन हुआ है तो, या फिर किसी धारदार हथियार से आपके कोई शार्प कट लगा है, उस दशा में यदि आप उसका इलाज करना चाहते हैं तो आप बैमन लें, उसका चूर्ण ले लें या फिर साबुत बैमन ले लें। चूर्ण है तो डायरेक्ट उसे पानी में घोलकर थोड़ी देर उसे रख दें और उसके बाद उस पानी से घाव को धो दें। अगर साबुत लकड़ी है तो उबालकर उसका काढ़ा बनाकर उससे धोएं, तो आपका जख्म बैक्टीरिया फ्री तो हो ही जाएगा, वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा और आपकी वहाँ पे चोट का निशान भी नहीं रहने वाला है। और अब बात करते हैं इसके सबसे खास प्रयोग के बारे में, महिला और पुरुषों दोनों में होने वाला बांझपन। किसी भी दृष्टि से यदि किसी एक पार्टनर में बांझपन है तो वो संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अकेला बैमन लाल आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। पुरुष और स्त्री दोनों लोग इसी तरीके से गुनगुने दूध के साथ 1-1 ग्राम की मात्रा में इसका नियमित रूप से सेवन करें। यदि महिलाओं में ओवुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब, या वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं तब, या पुरुषों के स्पर्म में किसी भी तरीके का विकार है, तो बैमन का ये पाउडर आपकी इन समस्याओं को दूर कर देगा। बैमन को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखें उन्हें 1 ग्राम नहीं देना है, उनको 1/4 ग्राम यानी 250 mg की मात्रा में दिन में 2 बार आप बैमन का ये पाउडर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका सेवन करने से न सिर्फ ये बीमारियां दूर होती हैं, साथ ही साथ यदि आप एंजाइटी तनाव में रहते हैं, आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है, तब भी आप इसका प्रयोग करके अपनी इन बीमारियों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों आयुर्वेद ने हमें एक से एक अद्भुत जड़ी बूटी दी है जिसके बारे में निरंतर हम आपको बताते रहते हैं, उसका प्रयोग बताते हैं कि किस तरीके से आप आराम से अपनी उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं जो सालों से आपको परेशान कर रही हैं। यदि जड़ी बूटी परिवार का ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ये और लोगों तक पहुँच पाए इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए जड़ी बूटी परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।